हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आज फिर से एक नया केक डिजाइन बनाने जा रहा हूँ जो कि थोड़ा अलग है। मिकी माउस केक है और ये 5 kg का केक है, बहुत बड़ा सा। और ये बटर क्रीम में हम बनाए हैं, तो कैसे बनाए आपको वीडियो में बताते हैं। और ये देख सकते हैं, ये वाला केक है आज मिकी माउस का। और इसमें टोटल हम आपको दिखाए हैं ड्राॅइंग करके भी, और कटिंग करना जितना होता सब कुछ इसमें बताए हैं। तो आगे चलिए वीडियो में आप बने रहें, पूरा लास्ट तक देखें, आपको पूरा समझ आ जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट। तो देख सकते हैं, ये नॉर्मल स्पंज हम ले लिए हैं वेनीला फ्लेवर, और ये पिल्सबेरी वाला स्पंज नहीं है, नॉर्मल स्पंज है, हम लोग खुद से बनाते हैं। और ये बटर क्रीम का केक है, कूल क्रीम भी नहीं है, मतलब व्हिप क्रीम का केक नहीं है, फंडेंट का इसमें कुछ काम नहीं है। और मिकी माउस बनाऊंगा, देखिए कितना मस्त बनेगा, क्योंकि बनने के बाद में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अभी आप देखें भी और आगे आपको दिख जाएगा कैसा है सो। तो चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। हमें 5 kg का ये केक बनाना था, 5 kg का, तो इसके लिए हमें हाइट करना पड़ेगा। तो ये हमारा 3 kg का शीट था, तो इसको डबल ले लिए। और फिर अभी इसका कान भी देना पड़ेगा, उसका भी 1/2 kg का, और फिर 1/2 kg का काट के इसके बीच में लेयर देना पड़ेगा हमें, 1.5 kg का ये हो जाएगा। तो इसका भी हम लेयर डालते हैं इसको। वैसे तो नॉर्मल केक में लेयर नहीं डालते हम लोग बटर क्रीम में, लेकिन इसको चिपकाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा हाइट में है, तो कैसे भी करके बीच में डाल के चिपकाना पड़ता है, क्योंकि बटर क्रीम थोड़ा ज़्यादा मीठा रहता है। फिर ज़्यादा अंदर भी क्रीम देने से और फिर बाहर भी क्रीम देने से केक थोड़ा बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाएगा, तो अच्छा नहीं रहता है इसलिए। और बटर क्रीम का भी अगर रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें हमें। अगर कमेंट ज़्यादा रहता है तो मैं उसका भी क्रीम कैसे बनाते हैं वो भी हम इसका वीडियो अपलोड कर देंगे पूरा डिटेल्स में, क्या कैसे करना है उसमें भी टोटल समझा के बता के जो भी होगा जहाँ तक। तो इसका भी हम बिना इसमें जूस नहीं डालते हैं। एक चीज़ और, अगर कोई अगर इसमें सोच रहा है फिर कमेंट करेगा कि हाँ इसमें आप सिरप तो डाले ही नहीं जूस, तो जूस हम लोग इसमें नहीं डालते नॉर्मल केक में, ये ऐसा ही रहता है। वैसे भी हम लोग का स्पंज इतना सॉफ्ट रहता है, जूस का वैसे ज़रूरत पड़ता नहीं है। तो एक हम पूरा लेयर डाल लिए थे इसका, साइड साइड से कटिंग भी कर लिए थे, और इसको थोड़ा दबा देते हैं क्योंकि अच्छा से चिपक जाएगा और बैठ भी जाएगा, नहीं तो बाद में इधर उधर स्लिप होगा बेस से भी। और इसमें थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे, भूल गए थे, ये पहले तो वाइट बोला था कस्टमर, इसका फ़ोटो जो मेरे पास था उसका वाइट था पूरा साइड से, लेकिन फिर बाद में दूसरा मॉडल भेजा था रेड कलर का, तो ये ऊपर का हम थोड़ा वाइट कर लिए आइसिंग, उसके बाद मेरे को बाद में ध्यान आया कि नहीं रे ये तो रेड था, तो अभी ऊपर तो वाइट कर दिया हूँ, साइड से फिर से मेरे को ये केक को पूरा रेड कवर करना पड़ेगा क्रीम का। अब देख सकते हैं, फिर रेड क्रीम बनाया और फिर इसको रेड कलर ही पूरा आइसिंग करना पड़ेगा। ऊपर का भी जो वाइट डाला हूँ वहाँ पे हमें रेड करना होगा, मेरे से मिस्टेक हो गया था, कलर चेंज करना था लेकिन मैं वाइट में बना रहा था, लेकिन टाइम से ही मेरे को फिर पता चल गया, नहीं तो पूरा केक ख़राब हो जाता मेरा, पूरा उतारना पड़ता, फिर से वापस से क्रीम निकाल करके फिर से चढ़ाना पड़ता मेरे को, लेकिन कोई नहीं, टाइम रहते मैं सही कर लिया इसको। तो अभी इसको हम पूरा रेड कलर से ऊपर भी क्रीम से थोड़ा फिनिशिंग करना पड़ेगा साइड से भी, और वैसे भी तो ये केक में पूरा नोजल मारना है, पूरा का पूरा नोजल ही है इसमें, नोजल डिज़ाइन टोटल, क्योंकि मिकी माउस का तो आप लोगों को पता ही है। वैसे जेल से भी बनता है और नॉर्मल क्रीम से भी हम लोग बनाते हैं व्हिप क्रीम से, लेकिन कूल केक रहता है तो अलग रहता है, और ये है तो अलग है। ये स्कैपर से इसको फिनिशिंग करना पड़ रहा है क्योंकि डोम पट्टी इसमें चलेगा नहीं, क्योंकि इसका क्रीम चिपचिपा रहता है, वो जो थोड़ा भारी रहता है, व्हिप क्रीम है तो वो तो बहुत सिंपल सा और हल्का रहता है, लेकिन इसका थोड़ा भारी रहता है, जो यूज़ करते होंगे उनको पता होगा। और ये हम कर लिए इसका फटाक से फिनिशिंग, अब इसका बेस भी थोड़ा फिनिशिंग कर देते हैं शॉर्टकट में, इसमें वीडियो में कर दिखा दिए, काट दिए बीच बीच का, क्योंकि बेस फिनिशिंग तो क्या है लगभग सबका सेम है, तो इसलिए। और फिर इसमें ये वाला जो हम स्पंज अभी यूज़ किए हैं उसका भी बताना हम भूल गए, अगर आप लोग को अगर देखना है कि ये स्पंज हम कैसे बनाए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से ही मतलब सर्च कर सकते हैं सुनील केक मास्टर और स्पंज लिख दीजिए, आ जाएगा ये वाला वीडियो। और एगलेस का भी है उसमें, प्रीमिक्स का जो हम कैसे बनाते हैं कैसे बनाए हम लोग उसका भी है, खैर प्रीमिक्स का रेसिपी रहता ही है, तो वो भी देखना चाहे देख सकते हैं आप। और एक चीज़, कभी भी अगर आप कोई सा भी ऐसा प्रिंट वाला या फिर ड्राइंग वाला केक बनाते हैं तो पहले टूथपिक से आप उस पे केक पे ड्राइंग कर लीजिए, उससे आपका इजी रहेगा। आप डायरेक्ट अगर ट्रफल से या फिर डायरेक्ट नोजल, उसमें नोजल से भी डायरेक्ट क्रीम से कीजिएगा तो पूरा केक ख़राब होगा, और ऐसे क्या आपका
टूथपिक से ड्राइंग किया हुआ रहेगा तो उस पर ही आपका पूरा अच्छा होगा, और थोड़ा बहुत कहीं ख़राब भी होगा तो आप वापस मिटा करके उसको सही कर सकते हैं। इसलिए अगर अभी कभी हम लोग भी केक बनाते हैं तो पहले टूथपिक से ड्राइंग करते हैं, उसके बाद उस पर ट्रफल कवर करते हैं, फिर उसके बाद नोजल वगैरह जो भी है वैसा करना पड़ता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगा, पूरा केक ख़राब करना पड़ेगा फिर अगर कहीं ख़राब हो गया तो। इसलिए आप भी अगर कभी करते हैं तो पूरा टूथपिक से कर लीजिए उसके बाद। तो ये हम ड्राइंग कर चुके हैं पूरा, अब इस पर हम ट्रफल से पूरा कवर कर देते हैं लाइनिंग लाइनिंग पे, क्योंकि वो उसमें वैसा ही है। ये चॉकलेट गनाज है ट्रफल, इसका भी वीडियो मैं डालूँगा कुछ दिन में। आप चाहे तो डायरेक्ट क्रीम से पूरा पहले नोजल पूरा मार के उसके बाद ऊपर से भी ट्रफल डाल सकते हैं ऐसा, लेकिन पहले डाल देने से क्या देखने में अच्छा लगेगा, और ऊपर से आप अगर डालोगे तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए अगर आप भी कभी केक बनाते हैं तो पहले ट्रफल जो भी जहाँ भी चॉकलेट लगता है पहले लगा लीजिए, उसके बाद आइसिंग कीजिए। अब इसका पूरा, और एक चीज़, अगर कभी जैसे ड्राइंग वाला तो पहले साइड साइड का जो आपका कोर है उसमें नोजल भर दीजिए, और उसके बाद जो बीच में है तो फिर चलेगा कैसा भी होगा तो, लेकिन साइड वाला अगर आगे पीछे होगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। और अगर नोजल आप कभी अगर मारते हैं कोई भी चीज़ में, या फिर मिकी माउस हो, डोरेमोन हो, या फिर कुछ भी, तो कोशिश कीजिए कि एक बराबर कीजिए। एक बराबर रहने से आपका केक बहुत ही फिनिशिंग और बहुत ही अच्छा दिखेगा, और कहीं पर बड़ा कहीं छोटा है तो आपका इसलिए वो केक फिर ख़राब दिखेगा। इसमें तो हो गया था नोजल का, मैं ये पूरा फास्ट कर दिया हूँ क्योंकि नोजल ही तो मारना है, तो उसमें क्या मैं पूरा दिखाऊँ, आपको तो समझ में आ ही गया है थोड़ा थोड़ा करके नोजल, इसलिए इसको मैं स्पीड कर दिया हूँ पूरा। आप लोग को देख के समझ भी आ जाएगा और थोड़ा जल्दी में भी हो जाएगा इसीलिए। तो ये हो गया, और इसका थोड़ा 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 सा बच गया तो उसको भर देता हूँ। ये वाइट बटर क्रीम है, वाइट क्रीम में थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिला करके डाला हूँ, तो बिल्कुल वाइट नहीं है ये, हल्का ऑरेंज कलर में है। तो ये अब नीचे का हो गया, ऊपर का, अब ऊपर में जो मैं क्रीम डाल रहा हूँ ये भी बटर क्रीम है। वाइट क्रीम में आपको पता होगा बहुत से जन को कोको पाउडर जो रहता है वो मिक्स करके ये कलर बनाया हूँ, वो भी चॉकलेट कलर फ्लेवर में ही आता है कोको पाउडर जो रहता है, सो तो उसी को डाल करके और ये वाला कलर बनाया हूँ, और उस थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ा है, नहीं तो फिर थोड़ा वाइट वाइट रहता, तो थोड़ा ज़्यादा डाल करके ब्लैक किया हूँ, क्योंकि ये कूल केक में है तो हम लोग यहाँ पे ट्रफल चॉकलेट डालते हैं, लेकिन ये बटर नॉर्मल क्रीम में था तो चॉकलेट डाल नहीं सकते, क्योंकि ये केक को फ्रीज में रख नहीं सकते, फ्रीज में रखेंगे तो पूरा टाइट होगा, इसलिए कोको पाउडर डाल करके और ये चॉकलेट क्रीम बनाया हूँ इसमें। तो इसके लिए थोड़ा कम ब्लैक है, ब्राउन कलर में आ गया, नहीं तो फिर इसका फुल ब्लैक था जो मिकी माउस है। तो इसका भी थोड़ा सा हम कर लिए थे, फिर इसमें भी स्पीड में आपको हम पूरा करके दिखा दिए पूरा ख़त्म, क्योंकि ऐसे करेंगे तो फिर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, उतना आप भी नहीं देखोगे, छोड़ के चले जाओगे। तो इसका भी लगभग हो गया कंप्लीट। और एक चीज़, अगर ये केक में या फिर किसी भी केक में आपको कुछ पूछना होगा या फिर मेरे से कुछ बात करना होगा या चाहते हैं तो हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी देखिए किसी किसी का सामने आ जाता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ, नहीं तो आप खुद जा करके वीडियो में देख सकते हैं फिर समझ सकते हैं कि इतना सारा कमेंट रहता है मैं सबके कमेंट का रिप्लाई कैसे कर सकता हूँ। तो इंस्टा पे है तो वहाँ पे अगर मैसेज करते हैं तो वहाँ पे कोशिश करता हूँ कि लगभग सबका रिप्लाई हो जाए, लेकिन अगर आपका जो प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम लिखिए, हाय हेलो जिसका रहता है उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, नहीं देखता हूँ, और अगर प्रॉब्लम है तो आपको मैं रिप्लाई दे दूँगा वहाँ पे। और जो भी केक्स बनाता हूँ टोटल फ़ोटो भी पोस्ट करता हूँ, तो अगर आप लोगों को फ़ोटो भी चाहिए तो वहाँ पे आपको फ़ोटो भी मिल जाएगा, और इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे भी फ़ोटोज़ और रील्स टोटल शॉर्ट में जितना भी वीडियोज़ रहता मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो ये हो गया। इसका आँख के लिए भी वो बटर पेपर ही था, छोटा काट लिया हूँ नोजल से, नहीं ये तो मैं नोजल से किया था पूरा, लेकिन वो बटर पेपर का डाला हूँ, और ये भी चॉकलेट कलर ही डाल रहा हूँ ट्रफल नहीं, आँख के लिए। और इसके बीच में भी है तो वही ब्राउन ही वाला है, ऊपर वाला जो मैं क्रीम डाला हूँ ब्राउन, वो भी इसके डाल दे रहा हूँ बीच में, क्योंकि वही था, ये फोटो मॉडल केक था। तो ये हो गया कंप्लीट। अब नीचे में भी सिर्फ इसका मुंह में, तो यहाँ पे थोड़ा लाइट ऑरेंज कलर में था वैसा, एक तो बटर क्रीम में बराबर कलर आता नहीं है, कूल क्रीम में है तो आप जो कलर करना चाहे कर लीजिए, बटर क्रीम में वैसा कलर नहीं आता है।
या फिर नीचे रेड कलर। हो गया कंप्लीट। अब नीचे सेम बोर्ड नोजल है जो मैं ऊपर यूज किया हूँ, वही वाला नीचे भी है, लेकिन थोड़ा डार्क रेड कर दिया हूँ बॉर्डर के लिए, क्योंकि ऊपर उसमें जो केक था उसमें भी अगर था तो मेरा थोड़ा डार्क रेड था, इसके लिए मैं डार्क करना पड़ा। और बॉर्डर नोजल भी आप कभी अगर मारते हैं किसी भी केक में तो कोशिश कीजिए एक बराबर रहने से आपका ऑटोमेटिक केक फिनिशिंग दिखेगा। हम लोग का केक फिनिशिंग दिखने का मेन वही है कि हम लोग कुछ भी अगर करते हैं तो बराबर से करते हैं, बड़ा छोटा वाला सिस्टम देते हैं, एक साइज़ रहने से केक आपका बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो अगर कभी भी आप ऐसे बॉर्डर वगैरह कहीं लगाते हैं तो कोशिश कीजिए एक साइज निकालने का, फिर देखिएगा आपका भी केक एक नंबर दिखेगा। ये हो गया। अब इसमें साइड का मेरा कुछ काम है, ये आप देख रहे हैं जो येलो कलर का चिपका रहा हूँ ये फोंडेड नहीं है, ये का एक बहुत से लोग जानते भी होंगे बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, केक चूरा से ही बनाया हूँ। केक चूरा को थोड़ा पानी डाल के और कलर डाल के उसको आटे के जैसा पूरा मतलब गूंद दिया और उसके बाद बेल करके और इसको काटा हूँ। फोंडेंट जैसा लग रहा है बट फोंडेंट है नहीं, ना तो चॉकलेट है, ये केक चूरा है, केक चूरा का ही पूरा बना करके डाला हूँ, क्योंकि अभी फोंडेंट है तो नहीं तो पहले हम लोग केक चूरा से ही काम करते थे, तो ये नॉर्मल क्रीम था और केक बाहर रहता तो फोंडेंट रुकता नहीं, इसलिए सोचे चलो केक चूरा का ही एक्स्ट्रा जो कटिंग्स था उससे बना करके और ये डाला हूँ। अगर ये भी देखना है तो इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो इसका भी मैं दिखा दूँगा कैसे करके इसको बनाते हैं। इसको अगर फोंडेंट आपके पास कभी नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं इसको केक चूरा से। तो ये हो गया केक कंप्लीट, लगभग पूरा का पूरा 5 kg का केक था। तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट में ये केक आपको कैसा लगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट कीजिएगा ज़रूर।